मैनपुरी के विधानसभा करहल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के समय डिप्टी सीएम से मिलने और न्याय की गुहार व शिकायत करने मां के साथ पहुंची पीड़िता डिप्टी सीएम से मिलने को पुलिस ने रोका। पीड़िता का आरोप है कि करहल क्षेत्र के रहने वाले यादव जाति के लोग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। अपनी भांजी की रोने की आवाज़ सुनकर भावनात्मक हुआ मामा अंदर सीएम से मिलने की जिद करने लगा। कब्जा करने वाले कौन कौन लोग हैं? समीक्षा बैठक हॉल के बाहर भांजी के साथ मिलकर जमकर हंगामा काटा तो वहीं पुलिस कर्मियों के रोकने पर गाली गलौज हो गई। हंगामा काटने के लिए मीडिया के कैमरे में लाइव तस्वीरें कैद हो गईं। मीडिया कर्मियों को एसडीएम नीरज द्विवेदी करहल ने ये पूरी जानकारी दी। और इनकी जमीन पूरी कब्जा मुक्त है, पूरे पे इनका अपना कब्जा है। मैंने टीम भेज के उसकी पैमाइश करा के इनका खूंटा डंडा गड़वा दिया। अब बात सिर्फ ये है कि इनके ज़मीन के बगल से एक रास्ता जा रहा है और इनकी ज़मीन मौके पे 16 एयर 4 बिस्वा ज़मीन इनकी मौके पे ज़्यादा भी है और पड़ोसी के लिए सिंगल एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनका कहना है साहब हम वो रास्ता बंद करेंगे। अगर किसी का कोई एक ही रास्ता है तो कोई कैसे रास्ता उसका बंद कर सकता है? नहीं, वहाँ पे चक्रोड है कि इनकी चक्रोड से खेत कागज में नहीं है लेकिन मौके पे वो 12 फीट का लगभग चक्रोड जो है मौके पे चल रहा है और वो पुराना चक्रोड चल रहा है, 20 वर्ष से ऊपर से चक्रोड चल रहा है, चकबंदी के टाइम से वो छूटा हुआ है। एक ये सही बात है कि कागज में नहीं है लेकिन जिसका रास्ता नहीं है उसका रास्ता हम कैसे बंद करते हैं? और चक्रोड चलने के बाद भी इनका रकबा पूरा है।